हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बॉर्डर इलाके में मिले जमात के 13 सदस्य। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना संक्रमित मिलने से देश में हड़कंप मच गया है। इस बीच तबलीगी जमात के 13 लोगों को बॉर्डर के इलाके से मदरसे में आइसोलेशन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात के साथ आ रही है कि अब खुफिया जरिया पता कर रही है कि बॉर्डर पर और मदरसों मस्जिदों में इस जमात के कितने लोग हैं और ये 13 लोग बॉर्डर किन किन जगह पर गए थे। वो बेसिकली तबलीग जमात से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन वो 25 फरवरी को बेसिकली दिल्ली से चल करके और जैसलमेर ज़िले में आए थे और 25 फरवरी से 18 मार्च तक वो लोग जैसलमेर ज़िले के प्रवास पर रहे हैं। उसके बाद में 19 मार्च को वो लोग हमारे ज़िले में ये जो गमठियों की धाड़ी है यहाँ पर आए थे और उसके बाद से वो एक मदरसे में होम आइसोलेशन में उनको रखा गया है। उन लोगों की 12 लोगों की हम अल्टरनेट डे में जांच करा रहे हैं। आज तक उन लोगों में कोई भी कोरोना संबंधी कोई सिम्टम्स है वो नज़र नहीं आया है। वो सारे लोग स्वस्थ हैं और उनकी विशेष रूप से है जो एक तरीके से देखरेख पुलिस गार्ड के माध्यम से उनकी देखरेख की जा रही है और उनको हम आइसोलेशन में रखा हुआ। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस जमात के लोग पूरे भारत और राज्यों में योजनाबद्ध तरीके से संक्रमण को फैला रहे हैं। ये कोरोना वायरस को लेकर के तो तबलीगी जमात के लोगों की जो कारिंदगी है वो अभी नज़र में आई है। उससे पहले भी बिना परमिशन के NH-15 के इधर पश्चिम में बहुत बार ये लोग आए हैं और हमने ये जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी बार बार सूचित किया है, लेकिन पता नहीं सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क नहीं रहती है क्योंकि इनसे देश को बहुत खतरा है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।